आपकी आवाज। मैं हूं सिद्रा और आप देख रहे हैं इंडिया आज तक लाइव टीवी न्यूज। तो चले चलते हैं ताजा खबरों की ओर। योगी राज में महिलाओं के साथ हो रहा अत्याचार, एक तरफ केंद्र प्रदेश सरकार महिलाओं की सुरक्षा की बात करती है, दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो कि अमेठी सांसद व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के क्षेत्र में महिला पर हो रहा अत्याचार मामला, जनपद की जगदीशपुर थाना क्षेत्र के ग्राम सभा गडरिया डी के कौसर जहां ने अपने पति शमीम अहमद धोबी पर गंभीर आरोप लगाए। कौसर जहां ने कहा, हमारे दो तीन छोटे छोटे बच्चे हैं, हमारे पति आए दिन मारते हैं और गाली गलौज करते हैं, हमको इतना मारा पीटा। जब मैं ये शिकायत जगदीशपुर पुलिस को दी तो जगदीशपुर पुलिस ने कार्यवाही के बजाय पैसा लेकर उसके ऊपर कोई कार्यवाही नहीं की। ये होगा कि केंद्र व प्रदेश की सरकार महिलाओं की सुरक्षा की बात करती है, दावा करती है, लेकिन ये दावा फेल नजर आ रहा है। ऐसा मानना क्या होगा? अमेठी पुलिस प्रशासन पति के खिलाफ क्या कार्रवाई करेगा? अमेठी से जिला संवाददाता आमिर हुसैन की खास रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? कौशल निशा। क्या? कौशल निशा। क्या दिक्कत है आपको? हम आदमी खर्चा खुराक के नहीं देते हैं भाई, लेकिन 22 साल से कम हाथ खात रही हैं तो खात रही नहीं। जब से नहीं आए ससुरे में, जब से हमका खाना पानी दोनों जने नहीं ना दिया, मारा था निकारा था। इसकी शिकायत आपने किसे करूँ अभी तक की? अभी तक का एक चक्कर थाने में गई रहने तो हूँ, पैसा भर के छुट्टी कर दे हैं, जो ना सुलनामा लिख के दे दे, वो अपना जो ना पूरा नहीं करत खर्चा खुराक। थाने वाले क्या बताए? थाने वाले ने इनका समझा बुझा के हटा दे हैं, 5,000 रुपया थाने में भर दिए हैं और जब से माँ को नोकिया सुनी नहीं गई, कोई कार्रवाई नहीं हुई। नहीं हुआ। कौन कौन मारता है आपको? हमारे आदमी। कितने बच्चे हैं आपके? 4 बच्चे हैं। पति क्या नाम है आपके? शमीम अहमद। कौन सा गांव पड़ता है? पहाड़पुर। थाना कौन सा है? इंडिया आज तक टीवी लाइव खबरों के साथ बने रहिए, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और सब्सक्राइब करें।